के जनता दरबार में हम किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी कामयाबी की चर्चा करेंगे। किसानों के इस यूनिक आंदोलन ने एक महीना पूरा कर लिया है। ये एक ऐसी यादगार तहरीक है कि इसने वो सब कर दिया जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। किसान नेताओं ने जब कहा कि वो दिल्ली की नाकाबंदी कर देंगे तो लोगों ने सोचा ये तो असंभव है, उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में रोक दिया जाएगा। लेकिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए, उनको रोकने वाली भाजपा ने कहा ठीक है, अब आप बुराड़ी आए और निरंकारी मैदान में आकर प्रदर्शन करें। तो किसानों ने जवाब दिया, हम घिरने के लिए नहीं घेरने के लिए आए हैं। सरकार ने सोचा कब तक बैठेंगे, आज नहीं तो कल थक कर चले जाएंगे। लेकिन आज एक महीना हो गया है और वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस तरह इन किसानों ने यह साबित कर दिया है कि जय जवान की तरह जय किसान, जिस तरह से हमारे जवान देश की बॉर्डर पर मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह हमारे किसान दिल्ली की बॉर्डर पर केंद्र सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव अब फैलने लगा है। इसका एक उदाहरण देखें, मोदी सरकार की कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अंबाला में सीएम मनोहर खट्टर के काफिले को काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। उसके बाद अब जींद में किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए बनाए गए हेलीपैड को खोदकर अपना गुस्सा दिखाया। ये किसान कृषि कानून के खिलाफ चौटाला से इस्तीफा मांग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को उचाना में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमारे नेता जमीन पर नहीं चलते बल्कि हवा में उड़ते हैं। इसलिए दुष्यंत ने अपने क्षेत्र में जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया और वहां पर उनके लिए एक हेलीकॉप्टर का पैड बनाया गया। लेकिन किसानों ने उस पर अपना गुस्सा दिखाते हुए उसको फावड़े से खोद डाला और दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे लगाए। किसानों के विरोध को देखते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत ने अपना दौरा रद्द कर दिया। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने उचाना से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह, जो 5 बार वहां विधायक रहे थे, उनकी पत्नी प्रेमलता को, जो पहले से विधायक थी, हरा दिया था। ये केवल 1 साल पहले की बात है। उन्होंने 47,452 के फर्क से प्रेमलता को हराया था। ये उचाना की इतिहास में एक रिकॉर्ड था। इससे पहले उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला भी उचाना से इलेक्शन जीते, लेकिन उनको इतने ज्यादा वोट कभी नहीं मिले। लेकिन 1 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। कृषि कानून को लेकर देश भर के किसान केंद्र सरकार और भाजपा के सहयोगियों से नाराज हैं। इसी आक्रोश के चलते हरियाणा के जींद में ही 40 खापों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और उसमें जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर भाजपा का समर्थन वापस लेने के लिए दबाव डाला और ये फैसला किया और उसमें जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर भाजपा का समर्थन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का फैसला किया। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि अगर एमएसपी पर सरकार को राजी नहीं कर पाए तो वो उप मुख्यमंत्री का पद इस्तीफा देकर एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन किसानों ने उनकी इस आश्वासन पर भरोसा नहीं किया और उनको खुद अपने चुनाव क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो भी नेता आएगा उसका इसी तरह से विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच आए। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोक कर काले झंडे दिखाने वालों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों पर हत्या के प्रयास और दंगे फैलाने का मामला दर्ज किया है ताकि उनको डराया धमकाया जा सके। लेकिन इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। हरियाणा के कैथल शहर में किसान आक्रामक हो गए और इसलिए जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह को सुशासन दिन के कार्यक्रम को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा।
इससे पता चलता है कि खट्टर की दबाव या खट्टर की धमकी का किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। हरियाणा के बगल में पंजाब का हाल तो और भी बुरा है। वहां पर भटिंडा में उत्तेजित किसानों ने वाजपेयी की जयंती मनाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और उन पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग करके रोका तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेता मधु कोटरा ने कहा कि किसान दिल्ली की सीमा पर भीषण ठंड के बावजूद खुले में बैठे हैं और बीजेपी वाले यहां जश्न मना रहे हैं। विरोध के तौर पर हमने उन्हें समारोह करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, राज्य के बीजेपी नेताओं के खिलाफ हमारा विरोध 3 महीने से अधिक समय से चल रहा है और इसी तरह किसानों ने बीजेपी को जालंधर शहर में भी इस तरह का आयोजन यानी वाजपेयी जयंती का आयोजन नहीं करने दिया। पंजाब के फगवाड़ा में भी यही हुआ। वहां पर एक होटल में बीजेपी के लीडर्स जमा हो रहे थे, लेकिन किसानों ने उस होटल को घेर लिया। वो होटल का मालिक भी एक बीजेपी का नेता है और उसकी एक कंपनी है जो मुर्गियों का और जानवरों का चारा बनाती है। किसानों ने फैसला किया कि इसके सारे माल का बायकॉट किया जाएगा और इनको वाजपेयी की जयंती नहीं मनाने दी जाएगी। पुलिस ने बताया कि किसानों ने बीजेपी की लेडीज विंग के जिला अध्यक्ष भारती शर्मा समेत कई बीजेपी वर्कर्स को होटल के अंदर जाने नहीं दिया और जो पहले से चले गए थे उनको पुलिस ने खुफिया दरवाजे से बाहर निकाला। अगर इस समस्या का समाधान उसने नहीं किया तो आज जो हाल हरियाणा और पंजाब में खट्टर और दुष्यंत का है, कल वही हाल देश भर में मोदी शाह और योगी और चौहान का हो जाएगा। भारत के किसानों ने अपने इस आंदोलन से एक बात सिद्ध कर दिया है कि संघ परिवार के बारे में जो ये धारणा बन गई थी कि इन्होंने उत्तर भारत में अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं और अब इसको उखाड़ा नहीं जा सकता, ये धारणा गलत है। किसानों के इस आंदोलन ने अब उसको उखाड़ कर फेंक दिया है। अब वो इन लोगों को अपने गांव में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह ये बात कि ये लोग अब बहुत ताकतवर हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अब इनको हटाया नहीं जा सकता, इस तरह की सोच जो लोग रखते थे और मायूसी का शिकार हो रहे थे, उनको किसानों ने बताया कि अगर वो मैदान में आ जाएं और इनका मुकाबला करें तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, ये इस किसान आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस गलत फहमी को दूर करके किसानों ने देश की जनता को ये संदेश दिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अगर जनता मैदान में आती है तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत उनको रोक नहीं सकती। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।